पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। गढ़िया की तरफ बढ़ते हैं। चिराग पासवान ने एक बड़ा यहाँ पर बदलाव किया है, राजेश वर्मा को यहाँ पर टिकट दिया है और जो संजय कुमार है सीपीएम से, इनको मौका मिला है। इस सीट पर क्या अंतर आया है सर? इस सीट पे खास चीज ये है, जो महबूब अली कैसर एलजेपी से पिछली बार चुनाव जीते थे, उन्होंने हराया था मुकेश सहनी वीआईपी के लगभग 2.5 लाख वोटों से। और खास बात यह है, इस बार ये दोनों जो हारा जो जीता वो दोनों हैं तेजस्वी के दाएं बाएं में खड़े, खगड़िया में खासकर प्रचार। एक को वहां के लोगों ने हराया था, एक वर्तमान सांसद से लोगों की नाराजगी थी, दोनों को लेकर घूम रहे हैं। अब विशेष बाबा बताएंगे आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए। खगड़िया में राजेश वर्मा को टिकट मिला है यहाँ पर इस बार एलजेपी से। देखिए, चिराग पासवान दो बातें कहते हैं और दोनों बातें जो कहते हैं वो बातें कहीं ना कहीं स्थापित होती है। पहला वो कि जो एनडीए में अनबैलेंस हो रहा था उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, युवाओं को ला करके, महिलाओं को ला करके, और ये बैलेंस उन्होंने दिखाया है। अपनी 5 सीटों में ही उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। 3 युवाओं को उन्होंने टिकट दिया है, या 4 युवाओं कह सकते हैं, 4 युवाओं जिसमें एक महिला भी है, उसके साथ साथ महिला भी 2 हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बैलेंस करने की बात करते हैं और राजेश वर्मा उसी बैलेंस का एक हिस्सा है। इनको लेकर के बहुत सारी बातें हुई कि बाहर से आया, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन जो महबूब अली कैसर हैं वो भी तो 2 बार इसी तरह से आए हैं जी। तुरंत उधर से कांग्रेस से उठ करके आए और तुरंत इनको यहाँ बैठा दिया गया, टिकट ले लिए, जीत भी गए। दूसरी बार 2019 में टिकट कट रहा था तो किसी तरह से अपना जोड़ घटाव करके टिकट मिल गया उनको। अब जो यहाँ जातीय समीकरण की हम बात करते हैं तो जातीय समीकरण में यहाँ यादवों की संख्या 3.5 लाख जी। तो आप कहेंगे कि राजेश वर्मा का क्या स्थिति है। यहाँ कुशवाहा समाज की संख्या जो है वो लगभग, यहाँ कुशवाहा समाज की संख्या करीब 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास है जी। इसके साथ साथ मुस्लिम 1.5 लाख यहाँ है, निषाद समाज के लोग 1.5 लाख यहाँ है, कुर्मी कुशवाहा सब मिल करके अगर लौकुश समीकरण और जिस तरह का वहां माहौल बना था, आप लोग तो वहां रह करके आए हैं कि कुशवाहा समाज बहुत सारे लोग हैं जो एलजेपी से भी विद्रोह कर रहे हैं जी, 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 तो कुशवाहा समाज अगर किसी का टिकट काटेगा तो किसका काटेगा? और कुशवाहा समाज तो ऑलरेडी वहां से जो कुशवाहा संजय कुशवाहा वहां से उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण बन रहा है और यहाँ का जो समीकरण देखा गया है, यहाँ से कुशवाहा लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, यहाँ शकुनी चौधरी का भी सीट रहा है, इसके अलावा भी राम प्रसाद कुशवाहा यहाँ से, चंद्रशेखर वर्मा है, बहुत सारे लोग यहाँ से कुशवाहा समाज से जीत के आए हैं। लेकिन एक ट्रेंड चेंज हुआ 2014 में और अब राजेश वर्मा को ला करके कहीं ना कहीं एक प्रयोग किया है और प्रयोग के साथ साथ यहाँ भी चिराग पासवान ने कहा है कि एक नहीं दो दो सांसद को आप जिताइएगा, ये सबसे बड़ी बात। सर, खगड़िया की सीट कही जा रही थी, चिराग पासवान ने गलती कर दी, राजेश वर्मा को टिकट देके, बाहरी आदमी है नहीं जीतेंगे, एक यही फैक्टर था ना, और कोई फैक्टर था क्या? नहीं, और तो कोई फैक्टर नहीं था, नहीं, एक छोटा सा फैक्टर लास्ट में लाया गया कि देखिए जदयू के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान हार जाए, तो जदयू को लोग चाहते हैं चिराग पासवान है तो हाजीपुर में ना मेहनत करो, खगड़िया में कहाँ लगे हुए हो? खगड़िया में कुर्मी समाज के लोगों के बीच में नाराजगी की बात की गई, पूरा एनडीए का कुर्मी नेता सब पहुंच गए, आरएलएम के राहुल कुमार हो, भाजपा की जो एमएलसी हैं वो हो, सब पहुंच गए और सब ने जमकर यहां मेहनत किया और उसकी वजह से ये सीट एनडीए के पक्ष की तरफ आ गई। एकमात्र मुद्दा जो स्थानीय और बाहरी का था वो पाटते हुए राजेश वर्मा ने युवाओं के बीच में वहां जगह बनाई। एक बड़ी बात ये हुई कि ये लोग साबित करने में लगे थे कि वो स्वर्ण व्यवसायी हैं, अरे स्वर्ण व्यवसायी हैं, एक्सटॉर्शन ही ना करते हैं, किसी को किडनैप करके पैसा नहीं ना मंगवाते हैं, जंगल राज वाला पैटर्न याद है ना, ये बार बार वहां लोग कह रहे थे। और जब ये बातें कही जा रही थी तो लोग डर रहे थे, राजेश वर्मा अगर बिजनेसमैन है तो वो लोगों को नौकरी भी देते हैं, अगर खगड़िया में वो सांसद बनेंगे तो खगड़िया के लोगों को नौकरी देंगे तब ना अगली बार जीतेंगे। अरे पिछले सांसद का टिकट क्यों कटा? इन्हीं कारणों से कि बैठ के घर में आराम करते थे, नहीं जाते थे लोगों के बीच में। खगड़िया एक ऐसी माँ है जो बार बार प्यार नहीं करती है कि बच्चे को जी। बदल देती है और यही इस बार देखा गया। चिराग पासवान ने यहाँ से बहुत बड़ा गेम खेला, यहाँ के गुस्से को न्यूट्रलाइज करने के लिए चेहरा ही नया दे दिया और जाके कहा कि देखो चेहरा भी मिलता है मेरे से, मेरे भाई जैसा है। और चिराग पासवान अगर किसी सीट पर ज्यादा मेहनत किए हैं तो 2 सीटें हैं, समस्तीपुर और खगड़िया, और अपनी सीट से भी ज्यादा मेहनत वहां जी, वहां पे ये साबित करता है कि चिराग अपने लोगों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। चिराग लेकिन बहुत पॉलिश्ड पॉलिटिशियन हो दिखे चुनाव में, बहुत पॉलिश्ड। हाँ, जमुई में लगा उनके खिलाफ है लोग, चेहरा बदल दिया। हाँ, खगड़िया में चेहरा बदल दिया और बाबा ने कितना बड़ा बैलेंस जो किया,
पूरे एनडीए से एक भी महिला को नहीं मिला, चिराग पासवान ने दिया दो महिलाओं में चेहरा बदल दिया, तो युवाओं को दिया। वो बहुत पॉलिश्ड आदमी होता है, इतनी कम उम्र में राजनीति की इतनी परिपक्वता, वो तो वो रिसर्च करते हैं। तो ये माना जाए कि खगड़िया की सीट एलजेपी एनडीए के पास आराम से एलजेपी। मुझे लगता है कि चिराग पासवान सुनते हैं सबकी, करते हैं सबको सुन करके उसका फैसला अंतिम में लेते हैं। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।